नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिक्सेल ऐप सॉफ्टवेयर के अंदर 265 हिंदी कस्टम फॉन्ट को ऐड करना। इस फॉन्ट से आप अच्छी क्वालिटी का पोस्टर एंड थंबनेल बना सकते हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो थंबनेल एंड पोस्टर आप किस फॉन्ट से अच्छा क्वालिटी में बना सकते हो। यहाँ पर मैं पिक्सेल ऐप सॉफ्टवेयर को ओपन किया हूँ एंड आपको ए टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फॉन्ट में आ जाना है, यहाँ पर आपको माई फॉन्ट में आ जाना है। यहीं पर आपको वो फॉन्ट मिलेगा, जो फॉन्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खान बोल्ड कलम बोल्ड। ये फॉन्ट वो फॉन्ट है जो बड़े बड़े क्रिएटर अपना थंबनेल बनाने में यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉपिन बोल्ड है। मैं आपको एक दो वर्ड टाइप करके यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको बैक आ जाना है, चाहे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं एंड आपको एडिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कोई सा भी हिंदी का वर्ड आपको टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख लिए हैं, इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल फॉन्ट है, इसमें कोई सा भी स्टाइलिश नहीं है। तो आपको यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको वो सारा फॉन्ट मिल जाएगा जो फॉन्ट मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए है खान बोल्ड, यही फॉन्ट बड़े बड़े क्रिएटर अपना थंबनेल बनाने में यूज़ करते हैं। इस पर हम आपको टैप करके दिखा देते हैं। टैप कर दिए हैं, इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फॉन्ट दिख रहा है। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, और भी अच्छा लगेगा। देखिए इसके बाद आपको यस के चिन्ह पर क्लिक कर देना है, और भी बहुत सारा इसमें स्टाइलिश फॉन्ट है। ए बी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, माई फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए है ये भी फॉन्ट बड़े बड़े क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जिसका नाम है पॉपिन बोल्ड। यहाँ पर देखिए इस पर हम टैप करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारा इसमें फॉन्ट है। यहाँ पर देखिए टेको सेमी बोल्ड है, ये भी फॉन्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। मैं इस पर टैप कर दिया हूँ, इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस फॉन्ट को आपको पिक्सेल ऐप में ऐड कैसे करना है। एंड दोस्तों, पिक्सेल ऐप सॉफ्टवेयर में इस तरह का फॉन्ट आपको ऐड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर आपको इस फॉन्ट का लिंक दिया हुआ है। ये फॉन्ट जीप फाइल में है, इसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इस फॉन्ट को आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपके फ़ोन में अगर आर्चीवर का ऑप्शन होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर देखिए जीप लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं आपको जीप फाइल दिया हूँ तो जीप पर आपको क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको वो जीप फाइल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इस फॉन्ट को आपको अनजिप करके दिखा देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको यहीं पर देना है। वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में कहीं भी एक जगह पर बोल कर एवं दिखा कर दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर देखिए यस के आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है स्ट्रेक फाइल। यहाँ पर देखिए साइड में आपको यस के आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये फाइल आपका स्ट्रैक हो जाएगा। इसके बाद आपको पिक्सेल ऐप सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ये सॉफ्टवेयर आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको डबल टैप कर देना है। डबल टैप करके यहाँ पर आपको इस कट के आइकन से यहाँ पर इसको इरेज कर देना है एंड आपको यहाँ पर हिंदी का कोई भी वर्ड आपको टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी का वर्ड टाइप कर लिया हूँ, इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये टेक्स्ट मैं इसलिए टाइप किया हूँ क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ एंड आपको यहाँ पर ए टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद आपको यस के चिन्ह पर क्लिक करना है। ए बी फॉन्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए माई फॉन्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फॉन्ट कैसे ऐड करना है यहीं पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको देखिए दो आइकन दिख रहा होगा, एक आइकन टी लिखा हुआ है, इसमें आपको प्लस है, और यहाँ पर देखिए एगो फाइल का आइकन दिया हुआ है, इसमें भी आपको प्लस है। इसी पे आपको फाइल का आइकन है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप अपना फाइल में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपना फ़ोन के सभी फोल्डर देख पाएंगे। यही मेरा फॉन्ट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे
एंड आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐड डायरेक्टरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये फ़ॉन्ट आपका पिक्सेल लैब में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी फ़ॉन्ट आ गया है। खान बोल्ड यहाँ पर देखिए, इस पर हम टैप करके आपको दिखा देते हैं। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट मेरा पिक्सेल लैब में ऐड हो गया। इसके बाद फिर और दूसरा दिखा देते हैं आपको, ए बी फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देंगे, माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया हुआ है, देखिए पोपिन बोल्ड है यहाँ पर। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए पोपिन बोल्ड है। ये भी फ़ॉन्ट बड़े बड़े क्रिएटर अपना थंबनेल बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी फ़ॉन्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक दो फ़ॉन्ट और आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए एक फ़ॉन्ट है पोपिन एक्स्ट्रा बोल्ड, इस पर हम टैप करके आपको दिखा देते हैं। ये भी फ़ॉन्ट कमाल के हैं, बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है। एंड फिर से हम क्लिक करेंगे, और भी फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम बोल्ड है, इस पर टैप करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का फ़ॉन्ट है, पासवर्ड 82 21 28। तो इसी तरह से आप अपना पोस्टर इस फ़ॉन्ट से अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप थंबनेल बनाने में आपको कठिनाई होती है, तो इस फ़ॉन्ट से आप आसानी से अच्छी क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।